दिल्ली NCR में बुधवार को गर्मी के सितम में थोड़ा और इजाफा हुआ है। दिल्ली में कई दिनों के बाद अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिसमें गुरुवार को और बढ़ोतरी होने की संभावना है और 43 तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसी के साथ लू का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 13 मई से 15 मई के दौरान दिल्ली में लू चलने की आशंका जताई है और इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बारिश के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली NCR के मौसम में 16 मई से बदलाव होगा। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 28 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 41 से 59% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा का अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और नोएडा में भी आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और यहाँ भी आसमान साफ रहेगा। वहीं दिल्ली के AQI की बात की जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में 149 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा का AQI 151 जबकि गुरुग्राम का 153 रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।